हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल विद पल्लवी। कैसे हो आप सब? और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर सीजन में हमें सनस्क्रीन लोशन अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट आए थे इंस्टाग्राम पे कि उन्होंने मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे पूछा था कि जो है सनस्क्रीन लोशन अप्लाई करना चाहिए विंटर सीजन में कि नहीं करना चाहिए। और क्या होता है ना, कुछ कुछ लोग सोचते हैं कि ओनली समर टाइम पे ही हमें सनस्क्रीन लोशन अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि समर की जो सन रेज होती है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है हमारी स्किन के लिए, उसकी यूवी रेज बहुत ही हार्मफुल होती है हमारी स्किन के लिए। तो आज मैं आपके साथ एक पर्टिकुलर वीडियो बना के शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि क्या वाकई में हमें विंटर में भी सनस्क्रीन लोशन अप्लाई करना चाहिए या फिर ओनली हमें समर में अप्लाई करना चाहिए। तो गाइस, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले हम ये सोच लेते हैं कि सनस्क्रीन लोशन हमें क्यों लगाना चाहिए, सबसे पहले इसकी हम बात कर लेते हैं। तो सनस्क्रीन लोशन ऑब्वियसली हम जो सन रेज होती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी स्किन को लगाते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा सोचना है कि सनस्क्रीन हमें ओनली एंड ओनली समर में लगाना चाहिए, बट नहीं गाइस, आपको विंटर के टाइम पे जो भी सन रेज होती है, आपके समर टाइम में जो भी सन रेज होता है, आपके रेनी सीजन में जो भी सन रेज होती है, स्प्रिंग सीजन में जो भी सन रेज होती है, वो सारी सन रेज आपकी स्किन के लिए हार्मफुल होती है। कैसे भी सन रेज हो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल होती ही होती है। हाँ, बट ये है कि आपको विंटर में थोड़ा कम लगाना पड़ता है क्योंकि धूप बहुत कम निकलती है, और आपको समर में बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है क्योंकि धूप जो है बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही हार्मफुल होती है हमारी स्किन के लिए। बट जो भी सन रेज होती है हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है। तो सबसे पहले तो ये मिथ आपको मैं क्लियर कर देती हूँ कि सनस्क्रीन ओनली एंड ओनली आपको समर में लगाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप विंटर में भी लगाइए, बहुत मस्त होता है, क्योंकि आपने देखा होगा मेरे प्रीवियस व्लॉग में कि मैं गई थी गोवा, तो गोवा में थोड़ी बहुत टैनिंग हुई है मुझे, बट बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल नहीं हुई है क्योंकि मैंने सनस्क्रीन लोशन यूज़ किया था। वहाँ का जो वेदर था, वहाँ का वेदर मिक्स था, वहाँ का कभी क्लाउडी होता था, कभी बहुत ज़्यादा सन रेज हो जाती थी, कभी बहुत ज़्यादा अच्छी सी बहुत ही प्यारा सा मौसम हो जाता था। तो मिक्स वेदर होता है, स्टिल हम मॉर्निंग में अगर निकलते थे बाहर जाने के लिए, घूमने के लिए, तो सनस्क्रीन लोशन अच्छे से अप्लाई करने के बाद ही निकलते थे घर से, तो होटल से। तो इसलिए जो है आप कोई सा भी सीजन हो, आपको सनस्क्रीन लोशन अप्लाई करना बहुत जरूरी है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि सनस्क्रीन लोशन तो हम अप्लाई कर सकते हैं, बट हमें कौन सा सनस्क्रीन लोशन अप्लाई करना चाहिए जिससे टैनिंग ना हो हमारी बॉडी में, क्योंकि देखिए गाइस, गोवा में हर किसी को टैनिंग हो जाती है, बट मुझे नहीं हुई है। और मैं कह सकती हूँ आउट ऑफ 100% मुझे 5% टैनिंग हुई है, जो कि ऑब्वियस है। आप कितना भी अपने को बचाओगे, अगर आप पूरे दिन घूम रहे हो सन रेज में, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो हो ही जाती है, बट इतनी भी नहीं हुई है जितनी मैंने सुना था को मैंने देखा भी था अपनी आंखों से कि लोग गोवा जाते हैं उनको बहुत सारे सन टैनिंग हो जाती है। तो मुझे नहीं हुई है, आई एम सो हैप्पी, क्योंकि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि आपको सनस्क्रीन लोशन ले जाना मस्ट है। तो अब चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके का सनस्क्रीन लोशन मैं अप्लाई करती हूँ जिससे मुझे टैनिंग नहीं हुई। तो वह जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है लोटस का सन सेफ, लोटस हर्बल्स का सन सेफ एंड यूवी स्क्रीन मैट जेल अल्ट्रा सूदिंग एंड मैट लुक ऑयल कंट्रोल PA++++ UVA SPF 50 UVB नॉर्मल टू ऑयली स्किन। तो गाइस, कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है, लोटस का ही मैंने अप्लाई किया था अपने फेस के ऊपर, जिससे मुझे जो है टैनिंग नहीं आई है, बहुत ही नॉर्मल सी टैनिंग आई है, जो कि बहुत जल्दी मैं इसको रिमूव कर लूंगी। तो कुछ इस तरीके का आप अगर SPF PA++ लेते PA++++ लेते हैं, SPF 50 लेते हैं, तो आपके स्किन के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस में भी आता है, आपको बहुत ही कॉस्टली नहीं मिलेगा। तो इसकी प्राइस चलिए देख लेते हैं। तो गाइस, इसकी प्राइस ऊपर देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है 450 है, और ये जो है 19 फेब 2022 तक मैं इसको यूज कर सकती हूँ, एंड PA++ SPF 50। तो गाइज, अगर आप लोटस का SPF 50 लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया था कि अगर आप SPF 50 लेते हैं, जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है और आपके स्किन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है। तो चलिए अब इसको ओपन कर लेते हैं, और ओपन करते ही आप देख सकते हैं गाइस कि इसके अंदर से प्रोडक्ट निकलने लग गया है, और इसको यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, जस्ट इसको ले करके अप्लाई कर लेना। ये जेल फॉर्म में है, मैं इसको अप्लाई करके इसलिए बता रही हूँ गाइस क्योंकि ये जेल फॉर्म में है और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देता है। अगर आप कहीं सन किसी भी सीजन में आप अप्लाई करते हैं, तो आपको बहुत ही जेल फॉर्म में बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है, और सन रेज से भी आपको प्रोटेक्ट करके रखता है आपकी स्किन को।
तो गाइस ये रहा आज का वीडियो, कैसा लगा जरूर बताएगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है और आपको एक नॉलेज मिली, एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि हाँ आपको सनस्क्रीन लोशन अप्लाई करना चाहिए सारे सीजन में, तो एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। तो मिलते हैं और प्यारे से अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड, बाय गाइस।